महाराष्ट्र में सरकार और लाज दोनों ही गंवाने के बाद बीजेपी को अब झारखंड में असली अग्नि परीक्षा से गुजरना है। इस विधानसभा चुनाव में साफ हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम अमित शाह की चतुराई या सरकार का काम बिकता है, या फिर हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी राम भरोसे सत्ता हासिल करेगी। हरियाणा और महाराष्ट्र में मात खाने और अंडर परफॉर्मेंस के बाद भारतीय जनता पार्टी के सामने झारखंड में अपना गढ़ बचाने की चुनौती है। 30 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच 5 दौर के होने वाले चुनाव में बीजेपी की झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन से सीधी टक्कर होगी। महागठबंधन में कांग्रेस के अलावा राष्ट्रीय जनता दल भी है। वहीं इस चुनाव में बीजेपी पुराने दोस्त ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी आजसू से रिश्ता टूटने के बाद अकेले चुनावी मैदान में है। उसे एंटी इनकम्बेंसी यानी मुख्यमंत्री रघुवर दास की सत्ता विरोधी जनभावना से भी जूझना पड़ रहा है। झारखंड का चुनावी इतिहास छल कपट और प्रपंचों से भरा है। इस सूबे में कोई भी पार्टी किसी की परमानेंट दोस्त नहीं है और ना ही परमानेंट दुश्मन। चुनावी नतीजों के बाद फायदा और नुकसान को तराजू पर तौलकर ही गठबंधन टूटते और बनते हैं। 2005 में बीजेपी और 2009 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकारें बीच में ही चली गई। साल 2014 में बीजेपी और आजसू ने चुनाव से पहले गठबंधन किया और वो जीते भी। पिछले चुनाव में कुल 14 सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वोटों को जोड़ दें तो बीजेपी उम्मीदवार से ज्यादा थे। इस बार दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, इसलिए बीजेपी के लिए रिस्क ज्यादा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और आजसू ने मिलकर चुनाव लड़ा था। चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो आम चुनाव और विधानसभा चुनाव में वोटिंग पैटर्न बिल्कुल अलग दिखता है। मोदी लहर की बात छोड़ दें तो बीजेपी को विधानसभा चुनाव की तुलना में लोकसभा चुनाव में ज्यादा वोट मिलता है। 2014 के चुनाव में 25 सीटों पर लड़ी कांग्रेस को एक भी विधानसभा सीट पर सफलता नहीं मिल पाई थी, जबकि उसे औसत 10.8% वोट मिले थे। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर इस बार भी वोटर पुराने ट्रेंड को दोहराते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन को इन सीटों पर भारी सफलता मिल सकती है। चुनाव से कुछ दिन पहले बीबीसी हिंदी समाचार और सांध दैनिक आखिरी सूत्र ने राज्य की जनता का मूड जानने के लिए सभी 24 जिलों में सर्वे किया। सर्वे की अभी तक की रिपोर्ट बीजेपी की नींदें उड़ाने के लिए काफी है। हमारी ये सर्वे रिपोर्ट 19,322 वोट सैंपल पर आधारित है। हमने लोगों से गठबंधन पर नहीं बल्कि दलगत स्थिति पर राय मांगी है, क्योंकि इस बार साल 2014 जैसे हालात नहीं है। कांग्रेस का गठबंधन जरूर है, लेकिन सत्ताधारी बीजेपी इस बार बगैर गठबंधन के अकेले ही तलवार भांज रही है। हमने लोगों से पहला सवाल किया कि वो मुख्यमंत्री रघुवर दास की सरकार के कामकाज को देखकर वोट करेंगे या नरेंद्र मोदी के नाम पर। 6% लोगों ने सीएम को वोट देने की बात कही तो 91% लोगों ने मोदी और बीजेपी के नाम पर वोटिंग की बात कही। 3% लोगों ने कोई राय नहीं दी। हमारा अगला सवाल था कि मोदी की पार्टी के सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा के पुराने चावल यानी शिबु सोरेन कितना दमखम दिखा पाएंगे। लोगों ने 52% मत मोदी के लिए, 47% मत सोरेन के लिए और 1% ने कोई राय नहीं दी। हमारा तीसरा सवाल था कि क्या साल 2019 में भी झारखंड में साल 2014 की तरह या लोकसभा चुनाव की तरह नरेंद्र मोदी के नाम का ही सिक्का चलता है। 53% लोगों ने कहा कि मोदी अब उतार पर हैं। 44% लोगों ने माना कि मोदी का जलवा कायम है। 3% लोगों ने कोई राय नहीं दी। हमने लोगों के सामने बीजेपी के सीएम रघुवर दास के अलावा बीजेपी से ही 3 बार के सीएम रहे और मोदी सरकार के मंत्री अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन की पार्टी से हेमंत सोरेन, झारखंड विकास मोर्चा के नेता और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी और आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो का नाम रखा। रघुवर दास को 30%, अर्जुन मुंडा को 10%, हेमंत सोरेन को 29%, बाबूलाल मरांडी को 28% और सुदेश कुमार महतो को 3% वोट मिले। सैंपल साइज को एनालिसिस करने के बाद हमारी टीम ने पाया कि हरियाणा में दूसरी पार्टी के सहारे किसी तरह सरकार बना लेने वाली बीजेपी के लिए झारखंड भी महाराष्ट्र की तरह हो सकता है। सत्ताधारी बीजेपी को 33%, जेएमएम को 19%, कांग्रेस को 13%, जेवीएम को 8%, आजसू का वोट ग्राफ बढ़कर 5% और आरजेडी और दूसरी छोटी पार्टियां और निर्दलियों के खाते में 22% वोट जाते दिख रहे हैं। अगर इस वोट फीसदी को हम 81 सीटों वाले विधानसभा के लिए विधायकों की जीत
या हार में बदलते हैं तो पाते हैं कि बीजेपी महाराष्ट्र की तरह ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, लेकिन सत्ता से दूर रह जाएगी। झारखंड फिर अपना इतिहास दोहरा सकता है। चुनावी नतीजों के बाद फिर से नए दोस्त और नए सियासी दुश्मन बन सकते हैं। आकांश शुक्ल, रांची।